नमस्कार टॉप 5.5 को स्वागत करुछि मिति स्मृति। ब्रोंज लड़ाई रे परास्त सत्ते भारतीय महिला हॉकी दल प्रदर्शन को सबु स्तर रे प्रशंसा करा जाय छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉल करी महिला टीम रा सदस्य ओ कोच का सहित कथा होई छंती। लड़ुआ प्रदर्शन पई सबु खिलाड़ी को शाबासी दे छंती प्रधानमंत्री। पराजय रो भांगी न पड़ी आग को बढ़िबा को उत्साहित करी छंती मोदी। लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. भारतीय महिला हॉकी दल सह कथा होइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वर्चुअल मोड रे खेलाड़ी सह कथा होई लड़ुआ प्रदर्शन करितेबारु उत्साहित करिछंती। आसंता 17 तारीख रे पूरा टीम ओडिसा आसीबा पई नवीन निमंत्रण देइछंती। लड़के, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा खेला था, अपने गेम हार गया पर हमारे दिल जीत गए। आप सबको बधाई हो क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। आप यहाँ 17 तारीख आ रहे हैं, फिर हम मिलेंगे, फिर आप सबको मैं बधाई देता हूँ क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, इतनी अच्छी तरह खेला है। थैंक यू सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा सरकार ने हमें इस जर्नी में बहुत हेल्प की है। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स का एक हब बन चुका है, इतने इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप होस्ट करवाते हो, हमारी टीम को उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, तो इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने हमें हर मोमेंट पे इनकरेज किया, सपोर्ट किया। सो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक। आप सब खुश रहिए, आपका बहुत समय आगे है, मेहनत करते जाइए। धन्यवाद, नमस्कार। और हम सब उड़ीसा में आपको सपोर्ट करते जाएं। टोक्यो ओलंपिक्स रे भारतीय महिला हॉकी दल रा लड़ुआ खेल प्रदर्शन।
दुई ओडिया महिला हॉकी खिलाड़ी को 50,000 टका लेखाए पुरस्कार पुरस्कार घोषणा कला ओडिशा ओलंपिक संघ ग्रेट ब्रिटेन ठारु 4-3 गोल रे हारी भारतीय महिला टीम पुरस्कार आसी 5 लक्ष 3 लक्ष एवं लक्षे जो गोल्ड सिल्वर एवं ब्रोंज किंतु आज जो एमाने हारी जाइले भी आमर जो दुईट झी टीम पार्टिसिपेट करूँ आम ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन तरफ 50,000 टका पुरस्कार आसी आज आम घोषणा करुँ आगामी दिन से आसिले एक संवर्धना सभा अनुष्ठित कर पुरुष दुई जन खेलाड़ी और महिला दुई जन खेला ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन तरफ संबर्धित कर देशर केन्द्रीय तदंतकारी संस्थागुड़िक उपरे बर्षिछन्ति सुप्रीमकोर्ट कोर्ट कहिछन्ति ए सबु संस्था को अभियोग करिबा परे भी देशर तदंतकारी संस्था न्यायपालिका को सहयोग करुनाहांति बड़ बड़ और संवेदनशील मामलें विचार करुथिबा विचारपति मानंकु विभिन्न समय अनेक धमक चमक मिलुछि ए विषय आईबी किंबा सीबीआई को अवगत कले मध्य सेमाने पदक्षेप नेउनाहांति धनबाद एडीजे हत्या मामलार शुणी कर उभय सीबीआई और आईबी उपरे खपा होती सुप्रीमकोर्ट एथसह उभय तदंतकारी संस्थार कार्यशैली प्रश्न उठाई निजे प्रधान विचारपति प्रसंग में सीबीआई को नोटिस जारी करी कोर्ट संपर्क में अधिक आलोचना वरिष्ठ आडवोकेट मानस महापात्र आम सह फोनलाइन जोड़ी होती श्रीजुक्त महापात्र आपंक स्वागत करुच्ची श्रीजुक्त महापात्र वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट जो उद्वेग प्रकाश कर बड़ बड़ मामलें जितेबाला जे आडवोकेट न्याय करते न्याय मिलूनी सहयोग करूना कौन से तदंतकारी संस्था यहाँ आप मतामत रखिए सर आप सुनी पारु छंदी सर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट उद्वेग प्रकाश कर जो भाई भाव बड़ बड़ मामलें जन जत वकिल लड़ुच्च जो तदंत कर तदंतकारी संस्था मैंने सहयोग करूना धमक चमक मिलू घटना उपरे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट खपा होती आप मतामत रखिए देखो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई सब माने बड़ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भारत सरकार इवन राज्य सरकार भितर जदि किसी द्वंद आसे कि राज्य में कौन जदि क्राइम हो क्राइम तदंत ठीक नई पारे से भी सीबीआई को इंटरेस्ट कराए तेणु सीबीआई हूँ सबुठ माने सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री किंतु समयक्रमे एमती सिचुएशन हो सीबीआई रे एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर भितर द्वंद मत आसी एवं नागेश्वर राव आपंकर जे मझे जन एडिशनल डायरेक्टर इनचार्ज ऑफ डायरेक्टर से गोटे द्वंद होता जो थी सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी करते तेणुकि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग टा बहुत डिफेक्ट अच्छी तेरे सुप्रीम कोर्ट का एटा ज्ञातसार अच्छी आउ गोटे सिचुएशन आपड़ देखिए प्राइम एजेंसी होकर भी लोक मान विश्वास भाजन हो पारना कोर्ट भी विश्वास भाजन हो पारना जहाँफल कि आप देखिए कोर्ट कर जो टिप्पणी रही जे कौन सी गैंगस्टर केस किंबा कौन सी पावरफुल लोकंर किसी मैटर से थ्रेट कल आसू कि कौन सी प्रकार कल आसू जोटा कि सीबीआई को आईबी को जनइले भी तापर कौन सी कार्यानुष्ठान हो ना मैंने यहाँ हूँ विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि कराफल लोकंर इन्वेस्टिगेशन उपर विश्वास जोटा अच्छी कि भरोसा अच्छी से भरोसाटा तुटिज कहीं कोर्ट जितेबाला निजर निर्देश से भाया इन्वेस्टिगेशन किसी रेजल्ट पारना सेठ साधारण लोक गोटे सीबीआई पाखे जदि इन्वेस्टिगेशन करने को दिए कौन भरोसा पाइब से कोर्ट गोटे टिप्पणी करतमान सीबीआई रो फंक्शनिंग उपरे कौन सी गोटे डायरेक्शन देवाक पड़ो जहां फल कि सीबीआई रो अधोगति होउची सीबीआई जो विश्वास हरौची लोकंर एवं विभिन्न अथॉरिटी मानकर से किपर ऊर्धरे आसिबो आइदर फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई किंबा सीबीआई रो कार्यकारिता संपर्क दक्षता संपर्क किंबा सीबीआई कहीं विश्वास भाजन हो पारना ये संपर्क में निश्चित भाव सुप्रीम कोर्ट गोटे टिप्पणी देते जहाँफल कि सीबीआई रे गोटे बड़ संशोधन आसवार आशा करा कहीं जदि जुडिशियरी अफेक्टेड होगा आपण भाविपारंतु राजनैतिक दल और गवर्नमेंट फंक्शनरी साधारण लोक किपरी अफेक्टेड हे
ତେଣୁ ଏଥିରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ ଏବଂ ମତ ରଖିବେ ଯେ ସିବିଆଇର ଫଙ୍କସନିଂ ଉପରେ କିପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଆସିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିବ। ଏଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସିବିଆଇ ଫଙ୍କସନିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି। निश्चय निहाति भाव श्रीजुक्त महापात्र आपण जो भाई भाव कहले कि जितने बड़ बड़ मामला आसूँ संवेदनशील घटना को लेकिन जितने विचारपति विचार करुँच से दिगरे जितेबले जदि सहयोग करूना तदंतकारी संस्था तेज साधारण लोकों कथ न कह भल बहुत बहुत धन्यवाद आम सह अधिक आलोचना कर। कटक ख्रीष्ट कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू का मृत्यु रहस्य को नहीं बढ़ुचे सस्पेन्स। त्रिकोणीय प्रेम संपर्क तुषार मृत्युर प्रकृत कारण बोली कहा तेरे तुषार और से भल पाता कॉलेज छात्री मध्य व्हाट्सएप चैटिंग पुलिस हाथ में लगवा संदेह अधिक घनीभूत हो चैटिंग में दुहे परस्पर को भल पाता कथा जमापड़ा बेले छात्री जनक तुषार को मारिदे धमक दे चैटिंग में उल्लेख रही तुषार को हत्या करा जायछि एवं एथिरे संपृक्त छात्री और तांकर पूर्वतन पुरुष बंधुक संपृक्ति थिबा परिवार लोके अभियोग करिछन्ति। तुरंत छात्री और पूर्वतन पुरुष बंधुक गिरफ करबा पई दाबी करिछन्ति तुषार को परिवार लोके। दुई दिन धरी निखोज रहिबा परे गतकाली महानदी जोब्रा ब्यारेज रु उद्धार होइथिला तुषार को मृतदेह। से ऑलरेडी गोटे पुओ सहित थिला आउ आमको जिते दूर तार अलग सांग द्वारा खबर मिलूँ से तार बहुत अलग मान रिलेटेड बहुत लफड़ा तार अच्छी निश्चिंत निश्चिंत आम पाखे से मेसेज स्क्रीनशॉट अच्छी पूरा प्रूफ अच्छी कि से ब्लैकमेलिंग करमो सामना को आसे मुझे तेज जीवन मारिदेवी बोली आउ एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी सहित कथी से ऑलरेडी कथी सहित सी आई लव यू कहला ये आई लव यू टू कही जो एज अ लव इमोजी भी पठेई सर ताको एमती सर बाड़े सर मैंने से डिप्रेशन भी थिला से हम कह भी थिला कि से डिप्रेशन अच्छी कह कि से हे जो से सप्ताह दि सप्ताह जो हम कह थिला कह थिला कि ताको हैरान करी मैं मेंटली टॉर्चर ताको करी छी तार मैसेज भी कर थिला कि मु तोर जिंदगी खराब कर देबी एमिता कर देबी ता बॉयफ्रेंड पाई से एमिता कथा कहला सर तापर तो सर एमिता हेला हम देखो सर सुसाइड कथा सर गोटे थर आम कही कि हैरान कर सर मैंने सुसाइड करने भी एमिता कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन रे बड़ दिन राति साढ़े दसटा गोटे मिसिंग रिपोर्ट होता जड़े व्यक्ति जार नाम हूँ तुषार बयस उन्नीस घर लोक आसिक रिपोर्ट देते कि से मिसिंग खोजाखोजी गला तार जना पड़ा कि स्कूटी धवलेश्वर ब्रिज पाखे मिली और आम सर्च कंटिन्यू करूला काली द्वीपर रे जगतपुर पीएस एरिया रे नई भितर तार बॉडी भासुति अवस्था मिली या कि जगतपुर पुलिस स्टेशन रे गोटे यूडी केस कर और यूडी केस रा वर्तमान इंक्वायरी चलुच बॉडी रो काली पीएम करा जाय छी और फर्दर जो भी स्टेप्स नेबर छी सेटा सब निया जाउ छी। पुलिस हाथरे लागी छी तुषारकांत और छात्रि को भीतर होइतिबा व्हाट्सएप चैटिंग से चैटिंग रो किछि अंश आमे आपन को देखाउ छु। देखंतु चैटिंग रे लेखा जाय छी मु पिला देखी थिली हेले तम भली एमिति पिला देखी नथिली मो रिलेशन भांगीबा पई तमे मिच्छ भी कहि देलो मोर केते बले इच्छा थिला ए सब करबा को मु तुम कथे भाषिकी तुम्हें आट्राक्शन टा आ मोर भूल थिला मोर से सोनू कथा मन पड़ा बोली मु दूरे जाइली मत बर्बाद कर दे आउ हो देख तुमसह कौन हो मुझे करी भगवान अच्छा देखुं डरुला ना पुलिस केस पाई मो सामना को आसिले जीवन रू मारिदेवी से कौन तुमको मरवा कथा कहते एभली अनेक किसी कथ छात्री जनक तुषारकांत उद्देश्य लिखि पुलिस सूत्र जमापड़ी एक ह्वाट्सअप चैटिंग जमापड़ी तुषारकांत और छात्री भितर प्रेम संपर्क था जहाँ परवर्त संपर्क में शत्रुत परिणत होता तुषारकांत मृत्यु पचर यह भी एक कारण होपे पुलिस सन्देह कर तदंत को आग को नहीं
संपर्क अधिक सूचना फोन जोड़ी होती स्पेशल करेस्पोंडेंट नवेश महांती। नवेश, तुषार मृत्यु घटना को लेकिन वर्तमान सस्पेंस बढ़िवे लगी, वर्तमान समय अपडेट सूचना कौन आस देखो जब गीतस्मृति ये जो कहता ह्वाट्सअप चैटिंग कथा या जब दुई भाग में विभक्त कर कारण गोटे बद पूर्व अंटिंग पर बद पूर्व प्रेम संपर्क उभय चैटिंग स्पष्ट जना पड़ जाऊँ परस्पर को भल पाते से लव इमोजी से परस्पर प्रति छाड़ी कह निर्दिष्ट दिन जो दिन कि संपूर्ण युवती जनक आसी तुषार घर कोईदिन किसी गोटे अघटन घटी तापर संपूर्ण ओलट पलट हो जाता दुज संपर्क दुज संपर्क फाट आसी व्हाट्सएप चैटिंग रे संपूर्ण युवती जनक थ्रेटन देउछन्ती धमक देउछन्ती एवं किसी एमती कांड कथा दिगरे इंगित कर से पूर्व घटी हत्या धमक ए संपर्क में आम संपूर्ण युवती बापा प्रतिक्रिया चाहूँ घर को मत जाइलु कि कैमेरा सामने किसी भी कहना मना कले गोटे कथा स्पष्ट से पुलिस तदंत में सहयोग कर पुलिस जितेबाड़ से डाक से थाना द्वारस्थ हे और तदंतर सहयोग करेंगे। अपरपक्षे जदि घटना कथा कह पर लोके अर्थात तुषार पर लोके बंधु सहपाठी सांग समस्ते बाबद कह कि ना कि भाव में जाते से ज्ञात सारे एपरिक तुषार आत्महत्या करने को जांग को से कहते सांग फोन में बुझे कर अनुचित हे किंतु से बुझे सुझार कि मतलब रही था से जदि तीन तारिख में तुषार को आक्रमण होता अर्थात जो कथित घटना घटला जहां इंडोर स्टेडियम पाखे घटला तीन तारीख राति पाखापाखि साढ़े सतटा समय जो कि संपूर्ण युवती बड़ भौणी सह चार पांच जन युवक से अश्रव्य भाषा में गाड़ी गुलज कर जहां अभोग आषार को यह सहित माड़ मर जा अपमानित करपर तुषार घर को आीधा सड़क से अंतर्धान होती तार गोटे दिन दुई दिन पर मृतदेह मिलू महानदी तेणु पर लोके हत्या कहते एक षड़ तुषार को हत्या करने जेहेतु संपूर्ण युवती जनक व्हाट्सएप चैटिंग में मारिदे तुषार को दमक देते तेणु सीधा सड़क प्रति अंगुल निर्देश होती बर्तन एने कि पुणी थ द्वितीय पर्यायर एतला गोटे कंटेनमेंट थाना पर लोके अर्थात तुषार पर लोक देते पुलिस यही द्वितीय मामला को द्वितीय एतला को केमी मामलार परिवर्तित करूँ कौन कौन प्रमाण कौन रही बाबद दुई जन पाखे खबर थी जड़े से तुषार मरी जाती अन्य जड़े संपूर्ण युवती संपूर्ण छात्री संपूर्ण बांधवी जी कि तुषार बांधवी से ही कहीपारे कि बर्तमान प्रकृत कारण कौन तादंत पर जना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद नवेश अपडेट सूचना। राज्य में कोरोना संक्रमण स्थित संपर्क में सूचना देते डीएमईटी सीबीके महांती से कहते आर भैल्यूरु भाइरस केते संक्रमण क्षम ताहा जना पड़े। आर भैल्यू एक उपरे रहिले संक्रमण संख्या बढ़ी बढ़ी चलो बोली थ्योरी कहुचे किंतु गत सप्ताह कटक पुरी और खोर्धार संक्रमण संख्या कमी यार अर्थ आर भैल्यू एक रु कम अच्छे। डीएमईटी कहते कौन सी महामारी संक्रमण बढ़िया कमिबा एक नियमित धारा किसी राज्य में संक्रमण बढ़ी किसी राज्य में कमुचे सामग्रिक भाव देश में गत 15 दिन है संक्रमण स्थिर रही कौन सी महामारी बेले लगातार स्थायी भाव लॉकडाउन सटडाउन बा कटकणा रहे ना लोकों जीवन जीविका को देख कटकण से किसी परिमाण में कोहल दरकार एथस टीकाकरण भी चलुचे लोक सचेतन करीकाकरण पर भी किसी लोक संक्रमित होती केवल कोविड टीकार नुहे सबू टीका क्षेत्र में देखा मिले मिलमिला पोलियो भली मेगा टीकाकरण अभियान में विफलता देखा मिली यह सत्वे एथर रक्षा पाइबा हेले आमको सचेतन होगा पड़ो छोट पा संक्रमण बाबद्रे डीएमईटी कहते अभिभावक और स्कूल कर्मचारी टीका ने छात्र छात्री पाखक संक्रमण होबना सेरो सर्भे दर्शाई बहु पिला संक्रमित होती यार अर्थ अनेक पिला लक्षणहीन संक्रमण शिकार होती तेणु अन्य माने सावधान हेले पिला माने संक्रमित हेबे नाही। समाज सबू कम्युनिटी समस्ते ससेप्टेबल था
ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବେ ସମାଜରେ, କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବ, ବା କାହା ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡ଼େଲରେ ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନି। ସେରୋ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଛି, ତାର କେତେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକାଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇକି ବା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇକି ସିଏ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସେରୋ ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡେଇଁବାର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଏକଥା ଡିଏମ୍ଇଟି କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ତଳେ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ତେବେ ଆଗକୁ କହିପାରିବା କି ତୃତୀୟ ଲହରର ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଲି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯୋଉଠି କି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କି ମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ଲହଡ଼ି ଆସିବ କି ନାହିଁ କହିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କଷ୍ଟକର, ଯେମିତି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଛି, ଆମର ଯଦି ପୂର୍ବତୀ ଲହଡ଼ିର ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା କେରଳରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଦୈନିକ 20-25 ଅଧିକ ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଆମ ଯୋଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ 2 ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏଭଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଯୋଉଠି କି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ କିଛି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ମୋଡ଼ ନେବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଏବଂ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଠି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଅଛି ବୋଲି କହିବାଟା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତଥାପି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର କୋଟା ଆମ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର, 16 ଖୋଲିବ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ୟୁଜି ପିଜି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପିଜି ଏବଂ ୟୁଜିର ପ୍ରି ଫାଇନାଲ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ, ସେହିପରି ୟୁଜି ପିଜି ଫାଇନାଲ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ 16 ତାରିଖରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରୁପମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 16 ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରେ ଏ ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ସାରିଥିଲା, ସେମାନେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଦରକାର, କାରଣ ଆଜି ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଲାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବାରୁ କୋର୍ସ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା ପିଜି ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବା କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ କିଛି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯଦିଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠପଢା ଚାଲିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ହେଉଛି ଟପ୍ 5.5 କୁ 8 ରଖିବା। ନମସ୍କାର।